वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को अगले माली साल के लिए कम निरखों पर फराहम करने का असूली फैसला किया है। आटा, चीनी, घी, तेल, दालें और चावल की यूटिलिटी स्टोर के जरिए पूरे मुल्क में कम निरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आला सत्ता में वफाकी वज़रा में मुफ्ती इस्माइल और आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर के नेटवर्क में तौसी की भी मंजूरी दी। उन्होंने हदायत की कि कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफे का जामा मंसूबा 2 हफ्ते में पेश किया जाए। सदर का एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार। सदर आरिफ अलवी ने बिल वापस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दिया। सदर का कहना है कि बिल से कानून को मफलूज करके बदअनवानी बढ़ेगी, एहतसाब अवल को कमजोर करना खिलाफ आइन है। बिल पैगाम है कि बदअनवान अनासर जवाबदेह नहीं, कमजोर आदमी मामूली जुर्म में भी पकड़ा जाएगा, बासर बदअनवान अनासर को खुली आज़ादी मिल जाएगी। मेरा ज़मीर बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता, जानता हूँ दस्तखत ना करने के बावजूद यह कानून बनेगा। कराची लियाकताबाद सुपरमार्केट की दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग के 22 कपड़े की मुतादी दुकानें मुतासिर हुई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर 4 फायर टेंडर की मदद से काबू पाया गया है। आग लगने की वजह मालूम ना हो सके। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN News Live।